सबसे पहले हमारे अगुवाईकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि कार्यक्रम के अंत तक आप सभी हमारे साथ शामिल रहें। हमारे कार्यक्रम को खूबसूरत स्तुति गीतों के साथ शुभारंभ करेंगे शेरा लिपचा और खतला मसीह संगति। उसके बाद हम रेवरेंड रिमल लुंदो की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, आज ही उसके वचन सुनने में हमें अवसर दिया है।
तो आज हमारे शीर्षक होगा जीवन और मरण, जो हम बाइबल पाठ दो जगह से पढ़ना चाहूँगा। पहले व्यवस्था विवरण उसका 30:19 को मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहें। और नए नियम में से एक और पद पढ़ना चाहूँगा, रोमियो उसका 5:10-17 को मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो उसका 5:10-17, इसमें क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और 17 में फिर से देखेंगे, क्योंकि जब एक मानुष के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत तय से पाते हैं वे एक मानुष है, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अविश्व ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु इस वचन सुने जाने पर हम सबको आशीष करे। छोटी सी आशीष मांग के दुआ प्रार्थना करते हैं। खुदावन्द धन्यवाद करते, आज सुने हम सबको संभाला तेरे वचन सुनने में। इस वचन के मैं ध्यान से प्रभु जी जितना सुने हुए लोगों को प्रभु जी पवित्र आत्मा से छू लो, ताकि प्रभु जी अपने जीवन में इस वचन को लागू करके प्रभु जी आशीष मिल सके। हमारे समय को तेरे हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जैसे हमने सुना था, आजकल हमारे दुनिया को देख करके ही बहुत लोग जो अपने जिंदगी पर सोचते भी नहीं है कल क्या होगा, इस कारण इस विषय को आज मैंने चुना है। तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे, उसको अपने मन में रखते हुए जीवन और मरण को हमारे शीर्षक में मैंने चुना है। परमेश्वर ने हम सबों को प्रेम के साथ ही सृष्टि किया है, परंतु मनुष्य अपराध करने के कारण ही परमेश्वर से दूर हो गया है। परंतु परमेश्वर हमसे दूर कराने के बाद भी अपना प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा से हमें फिर से प्रकट कर दिया था। उस जीवन को फिर से पाने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, और उसके भय रख करके उस पर विश्वास करना ही होगा। इसलिए अपने संपूर्ण जीवन का प्रभु को अपनाते हुए उसके प्रणाम करना ही पड़ेगा, और कोई किसी को दुविधा में रहना ठीक नहीं होगा। ये परमेश्वर हमें भी इजाज़त नहीं देता है। उसमें दो मार्गों में जो है, एक तो हमें चुनना ही पड़ेगा। यानी आपको नए जन्म अब तक न मिले तो उसकी मतलब जो है शैतान के पक्ष में हो। इंसान हमेशा परमेश्वर से विरोध करते हैं, परंतु परमेश्वर हमेशा हमसे मेल करा लेते हैं और मेल खाने और हमसे ढूंढते रहते हैं। यानी आपके पास में ऐसे रखा जाए कि सोना या सूखा वाला मछली चुनने के लिए तुम्हारे सामने रखा गया है। तुम्हारे मन पसंद तो ज़रूर सोना ही होगा। वैसे ही हमारे सामने वही परमेश्वर ने चुनने के लिए जो है जीवन और मरण और मरना। सचमुच तुम जीवन को ज़रूर आप चुनेगा। इस प्रकार से इस विषय को अपने ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं, आत्मा हम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जिस आत्मा को हम लोग विश्वास करते हैं दिखाई नहीं पड़ते हैं। परमेश्वर सृष्टि किया था, इंसान को बनाया था, तभी अपनी सांस को परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में थूका, तभी जीवन हो गया और जीवित हो गया है।
इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 में हमने देखा है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और उसके वजह से हम लोग जीवन पाए हैं और उसी की आत्मा हम पर भी है। उसमें दो प्रकार से हम लोग आत्मा को हम लोग बता सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर में जो डाला गया उसके अलावे दूसरी आत्मा जो शैतान हमें बिगाड़ने वाला और इंसान जो है कई बार उस दुष्ट आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत करते परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी नहीं पाते हैं। हम लोगों को मिट्टी से बनाए हुए हैं परंतु मिट्टी में ही मिल जाना ही होगा। इब्रानी 9:27 में हमने देखा है इंसान और मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद नए होना नियुक्त है, लेकिन जो आत्मा हम में है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यदि वो ही ख़त्म हो सकते तो सारे इंसान अपने मनमानी से जीवन व्यतीत करते ही शैतानी काम करने लगेंगे। तो ऐसे होने के बावजूद भी बहुत लोग इस संसार में और शैतान की बंधन से परेशान हुआ है, फंसे हुए हैं। खाना किस लिए हम लोग खाते हैं? खाना हमारे शरीर की भलाई के लिए हम लोग खाते हैं, अपना जीवन को प्राप्त करने के लिए और बचाने के लिए हम लोग खाना खाते हैं। इसलिए जीवन कितना बहुमूल्य है उसको बचाने खातिर बहुत लोग, हमारे परिवार में कोई भी हो, उनकी कैंसर बीमारी हो, इतना भयंकर से बीमार हों तो अपने जगह को छोड़ करके बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करते हैं, लाखों रुपया हम लोग खर्चा करते हैं। इतने हमारे पास रुपए ना हो तो उधार ले करके, लोन ले करके उनके प्राण को बचाने खातिर हम लोग दौड़ते हैं। इतना बहुमूल्य हमारे जीवन, फिर भी कुछ लोग आसानी से आत्महत्या कर लेता है। वही प्रेम के बारे में हम लोग सुना रहा है, ये प्रेम कहाँ से आए हैं? अपने परिवारों के लिए, अपनी माँ बाप, अपने पापा के लिए कितना खर्चा करना चाह रहे हो उसके मतलब तुम में जो है प्रेम होता है। और हमारे परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए दुख सहा, उसको देखो परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं। अपने एक लौता पुत्र हमें दिया गया, उसी के द्वारा हम लोग उद्धार पा सके। देखो उसके एक लौता पुत्र है फिर भी अपने प्राण को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बचाया है। कुछ इस जीवन को तुच्छ समझने वालों जो अपनी आत्महत्या कर लेता है और ये भी पर्याप्त नहीं, दूसरों की प्राण को भी ले लेते हैं, बहुत दुख की बात है इन चीज़ों को सोच करते हैं। इसलिए कभी आप सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे आत्मा कहाँ चले जाएगा? ऐसे बिना सोचे आत्महत्या कर ले, दूसरों के प्राण भी ले लेते हैं, उनकी बहुत ही दुख की बात होता है। ये शैतान के बहुत बड़े कर्तव्य काम है जो इंसानों को नाश करना, उनको बिगाड़ना शैतान का काम है। हम जब कभी सुनते हैं हम लोग एक दिन तो मर जाना ही है, लेकिन आज के दिन के लिए जो मरने के लिए कोई तैयार नहीं रहते हैं, है ना? हमारे ज़िंदगी क्या होता है? याकूब उसके 4:13-14 में हमने देखा है बादल या भाप थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी जो है थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग सोचता है और सपना में देखता है मैं व्यापार करूंगा, व्यवसाय करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, हाँ ऐसे अपने जीवन को बहुत साल तक जीने के लिए योजना बनाते हैं। लेकिन याद रखना रोमियो 5:12 में हमने क्या देखा, इसलिए जैसा कि एक मानुष के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मानुष में
फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है, इसलिए एक दिन तो तुमको भी मरना हो गया ना होगा और पाप के द्वारा मृत्यु भी आएगा। वैसे ही तुम्हारे टाइम कभी भी आ सकता है। इसलिए भाइयों और बहनों, कल के लिए हमारे ज़िंदगी कैसा रहेगा कोई किसी को पता नहीं है, परंतु याद रखना हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को इब्रानी 10 अध्याय 29 पद में हमें बताए हैं, उस खून की वजह से हम लोगों को बचाया गया और जीवन मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग आजकल वही गलत शिक्षा देख करके कहने लगा, परमेश्वर यीशु मसीह जो हम लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया बलिदान करके, उसको तुच्छ समझ करके दबा दिया और अपने पैरों के नीचे रख दिया। यीशु मसीह हमें क्रूस पर नहीं बचाया है, ऐसे मजाक और उठठा उड़ा लेते हैं। इन चीज़ों को सोच और सुन करके बहुत ही दुख लगा मुझे। परमेश्वर का प्रेम और उसकी आत्मा हम पर हैं, तो अपने पुत्र को सचमुच यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हुए हमारे सारे पापों को प्रभु बचा करके और उधार दिया है। इसलिए इन लोगों को गलत शिक्षा देने वाला और गलत रास्ता में ले चलने वालों को प्रभु कभी नहीं करेगा। इब्रानी 10 पद और 10 अध्याय 30 पद में हमने पाया है, बदला मत लो, बदला लेना तो मेरे काम है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। और आगे पढ़ेंगे तो जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक की बात है। उसके मतलब प्रभु हर एक इंसानों को एक एक करके न्याय करना, हम सभी लोग उसी में कोई नहीं बच सकता, एक दिन तो तुम भी सामना ही करना पड़ेगा। ये दूसरी बात में देखते हैं, जीवन का कारण क्या है, जीवित होने के कारण क्या है, जीवन की मकसद क्या है। हम इस दुनिया पे पैदा हुआ पछता करके वापस नहीं जा सकता है, पैदा हो गया है तो तुमको न्याय को सामना करना ही पड़ेगा। तो इस जीवन को व्यतीत करते हुए जवानों के लिए कहता हूँ, क्योंकि सभोपदेशक 11 अध्याय 9 पद में तो लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, हे जवान अपनी जवानी में मगन रहे। तो उसके मतलब हर एक जवान लोग अपनी जवानी में आनंद ले सकता है, अपनी जीवन में मनमानी के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन याद रखना आगे क्या लिखा है, लेकिन परमेश्वर एक दिन तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर एक दिन तेरा न्याय करेगा। इसलिए उसको याद रखते हुए अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करने होगा। इसलिए बिना यीशु से जीवन व्यतीत करना बेकार है। इसलिए कई जगहों में हमारे धर्मशास्त्र में इसी को हमने पाया है, यानी आप धन दौलत रुपया और मनोरंजन और इस दुनिया की महानता तुम्हारे पास हो, लेकिन ये थोड़े दिन के लिए है, थोड़े दिन के लिए है, और कोई किसी को पता नहीं है कल क्या होगा। इसलिए कहावत में बताया जाता है, 100 साल के लिए काम करो लेकिन कल मरने के लिए तैयार रहो। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारे टाइम कल ही आ सकता है, अगर ऐसी अचानक आएगा तो क्या तुम तैयार हो। रोज प्रतिदिन हमारे मरने का दिन निकट ही आते जा रहा है, यानी हॉस्पिटल में भर्ती हुए भयंकर से बीमार हुआ है वो पहले नहीं जाता, जो जिनका बीमार नहीं होता कामकाज कर रहा है वो एक्सीडेंट से भी तुरंत मर सकता है। कुछ लोगों का जो है बिना बीमारी से भी मर जाता है। उस दिन मैंने यूट्यूब में एक आदमी जो है मॉल में जो है बाजार करते हुए खड़े खड़े और मर गए थे,
अपने जो सामान खरीदता वो ये पकड़ते हुए खड़े खड़े मर गया था। भाई ऐसे ही है, इसलिए जिंदगी ही कोई दुनिया और इंसान, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ हिसाब करके आंसर निकलते, वैसे ही इंसान कोई जिंदगी को समझ में नहीं आता है और उसकी गिनती कोई नहीं आता है। इसलिए बिना यीशु से, बिना यीशु से जीवन ही कुछ भी नहीं है। यानी आपके धन दौलत सुख से हम नहीं बचा सकता है। कुछ देर तक तो आप जैसे दर्द की दवाई खाते हैं वैसे आराम तो मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता। इसलिए अपने टाइम कभी आएगा। या तुम्हारे आत्मा के लिए कितना धन इकट्ठे कर चुके हों, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए कितना तक आप दे चुका हैं। इसलिए परमेश्वर तो हमें बताते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6:19 में, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जो है धन इकट्ठे किया करो, जहाँ पे कीड़ा और ना कोई बिगड़ते नहीं हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत धन दौलत इकट्ठे करते हुए गिरजाघर में प्रभु को प्रणाम कर ले और उसके पास आने का इच्छा नहीं होता आजकल। आप याद रखना, हम लोग परदेशी और यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग पहला पत्रास 2:11 में साफ रीति से वही बताते हैं कि हम लोग फिर से भूल जाता है, हम लोग यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे परदेशी के रूप में रह रहे हैं कुछ दिन के लिए। इसलिए हमारे जीवन की मकसद पैसा से नहीं परंतु सुसमाचार है। लुका रचित सुसमाचार उसका 12:15 में हुई हमने देखा, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत तेज से नहीं होता है। यानी आपके पास दुनिया भी अपना लो और सब कुछ तुम्हारा हो और सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे प्राण चले जाते हैं कोई मतलब नहीं है। वही मूर्ख व्यक्ति कहने लगा, हे मेरी आत्मा आराम कर, आनंद कर, जो चाहे वही दुनिया पे कर लो, परंतु वही दर्शन वही आवाज न है मूर्ख, आज रात तुम्हारे प्राण लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे सारे धन दौलत किसका होगा, यही जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए भाइयों बहनों सोचिए, तुम्हारे धन दौलत से परेशान हुआ है परंतु अपनी आत्मा के लिए कभी तू चिंता नहीं करते हैं। लोग कहता है धन दौलत के साथ अमीर बन करके नए जन्म प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, हाँ मैं भी मानता हूँ, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो इन धन दौलत के द्वारा जो तुम नरक के रास्ते में ले जा रहे हैं। यानी आप लेकिन धन के साथ और पैसा के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो बहुत अच्छी बात है और परमेश्वर अधिक से अधिक आपको आशीषित जरूर करेगा। दूसरा राज्यों उसका 4:3 में हमने देखा है, एलिया के नाम से हम लोग जानते होंगे, एलिया एक विधवा उनके पास आए थे, वो बहुत गरीब है, अपने बकाए को भी नहीं दे पा रहा है, एलिया के पास आ करके और कुछ मदद मांगा है। तब एलिया ने क्या कहा था, अपने सारे बर्तन मेरे पास ले आओ, तुम्हारे पास इतना नहीं हो तो मैं तुम्हारे पड़ोसी के पास भी जा करके इकट्ठे करो। तभी उन्होंने जो सारे बर्तन को ले करके एलिया के पास ले आया था, तब एलिया ने आशीष दिया तो उनके सारे बर्तनों में तेल उसका भर दिया था, ये तेल बाजार में जा करके बेच दो, अपने बकाया पूरा दे दो। वैसे ही एलिया ने जो है विधवा का मदद किया था। वैसे आज तक हमारे परमेश्वर वही परमेश्वर तुम्हारे सारी जरूरत को देने वाला, तुम विश्वास करते हैं तो तुम्हारे लिए भी अब तक दे सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मुझसे परखो आकाश खुल करके तुमको आशीष दिया कि नहीं। वैसे ही हम लोग यीशु समाचार को सुनाते हुए हमारे हाथ में भी वही है, सिर्फ दूसरों पात्री और एवंजलिस्ट के लिए नहीं बल्कि हमारे काम भी है। जैसे
दूसरा राजाओं सारा देह नौपद में हमने देखा जो चार कोड़ियों को चंगा मिल गया था और उठ खड़े हो करके और शहर के अंदर राजाओं के घर में जा करके सुसमाचार सुनाए था। जैसे ही हमारे हाथ में भी है, आप जान चुके हैं, तो आप जरूर उस काम के लिए लगे रहो। और तीसरा पॉइंट में कहना चाहूँगा, मरना कहाँ है? अगर तुम मरना चाहते हो कहाँ मिल जाएगा? वचन लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहे रही और हे मृत्यु तेरे धन कहाँ रहा? पहला कोरिन्थियों का 15:55 में हमने देखा, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस मरना को जीत कर चुका है। मेरे और मृत्यु के बीच में उस मरने का सिर्फ एक ही कदम है। इसलिए रोमियो 6:23 में हमने देखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु भी है। इसलिए काफ़ी लोग, बहुत लोग हम लोग कह सकता है, शरीर पर मन लगाता है इसलिए परमेश्वर को याद नहीं करते। इसलिए रोमियो 8:6 को याद करते हो आज भी, शरीर पर नहीं बल्कि परमेश्वर को अपने मन लगाते हुए जीवन पाना तुम्हारे लिए सही फैसला करना सही रहेगा। कैसे वाला पति हम आपको चाहिए? जैसे लड़की हो तो आप पति ढूंढ रहे हो, कुछ लड़की तो चाहते हैं शरीर पर मन लगाने वाला, पर कभी आत्मा के रूप में भी मन लगाते वही मिलावट वाले जीवन को कई लड़की पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा वाला परमेश्वर पसंद नहीं करते। उसको मिलावट जीवन को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता। अगर तुम गर्म हो तो गर्म हो, ठंडा हो तो ठंडा हो जाओ। इसलिए अगर तुम परमेश्वर को चाहते हो और उसकी सेवा करो और शरीर पर मन लगाते हुए शरीर में अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करो, बस ऐसे ही फैसला हमारे काम हमारे हाथ में है। मूर्ख व्यक्ति भी मर जाता है और होशियार बुद्धिमान भी मर जाता है, वही नीति वचन में हम लोगों को बताए हैं। सबको परमेश्वर पक्षपात ना करते हुए नहीं करते हैं। जैसे इंसान की बुद्धि जो है उनकी शोभा मैदान के फूल के समान होता है, एक दिन तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहता उसको। इसाया 40:6 में वही हमें बताते हैं। इसलिए कल के दिन हम लोग देखेंगे या नहीं, विधवाओं को लूट करके और गरीबों के सिर पर धूल को इच्छा हो करके उनकी भाग को हम लोग छीन लेता है, यह बहुत ही खतरनाक बात होता है, क्योंकि हमारे वचन वही बताते हैं। हकीकत में आज तक हमारे समाज में वही आ रहा है, गरीबों को भाग को हम लोग खा लेते हैं, ये बहुत ही दुख की बात। परमेश्वर हम पर एक दिन तो न्याय करेगा, वही सवाल पूछेगा। और उससे और खतरनाक क्या होता है, आत्मा से मरना बहुत खतरनाक है। शरीर तो मिट्टी में ही मिल जाना है, तुम्हारे आत्मा को तुम नहीं बचा पाऊँ तो बहुत ही दुख की बात होता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में वही बात मैंने कहा था, 6:16 में, वही लोग मरने के लिए ढूंढेंगे लेकिन नहीं मिलेगा, पहाड़ के सामने कहेंगे पार मुझ पर गिर जाओ मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मर पाएंगे। यह शरीर का मृत्यु में हमेशा के लिए नहीं होगा, उसमें समाप्त नहीं होगा, और उसकी समानता प्रभु यीशु मसीह की समानता मर जाने के बाद फिर से जी उठेंगे। रोमियो 6:4 में वही हमें बताते हैं, उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। इसलिए आज ही क्या चुनोगे, हमेशा के लिए मरना या हमेशा के लिए अनंत जीवन?
तुमको ही चुनना ही होगा। इसलिए कहता है लुका रचित सुसमाचार में उसके दृष्टांत 18:18 से आप लोग पढ़ेंगे तो मिल जाता है। वही धनवान व्यक्ति सारे कानून नियम को जो पालन करते हैं, परंतु एक बाकी था उनके पास, क्या है? अपने सारे सब कुछ बेच करके गंगालों को बांट दे। उस वचन को, उस बात को सुन करके क्या है, भाग गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत कुछ उनके पास है और अमीर व्यक्ति हैं, वही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज अपने प्राण को बचाने खातिर हमें दौड़ के चले जाने, पीछे नहीं देखना। उत्पत्ति 19:17 में वही देखा है, अपने प्राण को बचाने के लिए दौड़, पीछे नहीं देखना। कई बार हम लोग पीछे मोड़ जाता है, यदि तुम आज्ञा को पालन नहीं करते तो परमेश्वर से आशीष आशा नहीं रख सकता है। एक बार क्या हुआ, एक प्राचीन था, अपने क्षेत्र में जो है होम विजिट के लिए जो जहाँ पे दारू बनाता है उसी के घर में गए था। तुम्हारे लिए मैं दुआ प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी औरत ने क्या कहने लगा, हे प्राचीन साहब, आपकी दुआ की हमारे ज़रूरत नहीं है, कृपया करके हम अपने घर को छोड़ करके चले जाओ, हमारे घर को छोड़ करके चले जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनके पति इतना भयंकर से बीमार हो करके मर गए। वही औरत अभी तक तो जिंदा है, परंतु दवाई के साथ मुश्किल से अपने जीवन को तड़पते हुए व्यतीत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज ही हमारे जीवन में क्या होगा, इसलिए जो वचन को इनकार करते हैं और पसंद नहीं करते हैं, वही वचन हमारे जरूरत जरूर होंगे, एक दिन हम लोगों की जरूरत जरूर होंगे। वही प्राचीन की प्रार्थना को तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे जीवन में फिर से जरूरत पड़ेगा। इसलिए हगई 1:5 में हम देखें, अपने मार्गों को देख करके कहाँ तक हमारी स्थिति है। इसलिए सिर्फ अपने आप को परखो, परमेश्वर से आप मेल खाना चाहिए। इसलिए यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:17 में हमने को देखा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला तो अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मैं आखिरी बात में निवेदन करना चाहता हूँ, तुम अच्छा कर्म करते हो परंतु परमेश्वर से मेल नहीं करते हैं तो स्वर्ग में जगह नहीं होगा। कर्म से स्वर्ग में जाने की इजाज़त नहीं होता। हिंदू लोग, मुसलमान लोग बहुत अच्छा कर्म तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए तो परमेश्वर से मेल खाना ही होगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, मरना या जीना तुम्हारे हाथ में, वही तुम चुन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से मेल कराने के लिए आपसे यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को उसके हाथ में सौंपने ही होगा। इसलिए मरने के बाद तुम कहाँ चले जाओगे, जीवन और मरण तुम्हारे हाथ में है। प्रभु इस वचन पर हम सब के लिए आशीष प्रदान करें, आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हमारे शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए सहायक तथा लाभदायक हो, ये हमारे प्रार्थना है। अब हम दो और सुंदर स्तुति गीत सुनेंगे, हुंथर कौशल मसी संगति और ललरम नुनमोई सुंदर स्तुति गीत गाना प्रस्तुत करेंगे।
अब हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।